इस वक्त मौजूद हूँ अजमेर के आना सागर लिंक रोड पर, जहाँ पर आना सागर कितना फुल हो गया है ये आज मैं आपको दिखाऊंगा। शहर में व्यवस्था इस वक्त ट्रैफिक क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा। अजमेर में क्या वाकई बाढ़ आ गई है, बाढ़ जैसे हालात हैं, और क्या अजमेर में 1975 को जो बारिश आई थी वैसी ही बारिश इस बार भी है, उसके नज़ारे मैं आज आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। और इस वक्त आना सागर लिंक रोड पर मैं मौजूद हूँ, आरजी एकेडमी के सामने का हिस्सा है, और आपको मैं तस्वीर दिखाता हूँ जो बजरंगगढ़ चौराहे से जब हम वैशाली नगर की ओर की ओर हम की तरफ आते हैं तब की ये तस्वीर आपको दिखाता हूँ मैं। ये तकरीबन बारिश बंद होने के डेढ़ से दो घंटे बाद की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ पर केवल पुलिस प्रशासन का एक जवान इस वक्त मौजूद है जो ट्रैफिक व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है। ये जो सामने आपको बारिश का पानी जो दिखाई दे रहा है, ये पानी तकरीबन कमर तक भरा हुआ था इस वक्त, थोड़ा सा, क्योंकि दो घंटे हो चुके हैं तब जाके इतना खाली हुआ है। आप देख सकते हैं घुटनों तक लोगों के पानी जा रहा है। पूरा शहर इस वक्त, पूरे शहर की जो यातायात व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, कहीं भी किसी प्रकार से ट्रैफिक सुधार नज़र नहीं आ रहा है। प्रशासनिक अधिकारियों की जो जिम्मेदारी थी, जो नगर निगम की जिम्मेदारी थी, उसकी अधिकारियों की पोल खुलती हुई इस वक्त हमें नज़र आ रही है। अब मैं आपको आना सागर की तस्वीर दिखाऊंगा। ये स्मार्ट सिटी के तहत जो झूले का निर्माण करवाया गया था, ये झूला इस वक्त तिरछा हो चुका है, पानी इतना फुल है कि ये झूला तिरछा हो चुका है, और किसी भी बड़ी घटना को अंजाम देने का इंतज़ार प्रशासन कर रहा है या फिर यहाँ के लोग कर रहे हैं, या आपको हम दिखा रहे हैं। लोग बाकायदा इस वक्त यहाँ पर चढ़े हुए हैं, ऊपर झूले के ऊपर हैं, चौपाटी पे इस वक्त लोग आए हुए हैं, और सामने तस्वीर में आपको दिखाऊंगा घर से बाहर लोग निकल चुके हैं, और पानी कितना भरा हुआ है इसकी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी और मैं दोनों इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर हैं। अजमेर में बाढ़ जैसे हालात हैं और ये तस्वीरें हैं, लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको जाम की मैं स्थिति इस वक्त मैं दिखाऊंगा कि कहाँ तक ये जाम दिखा हुआ है, और मेरे सहयोगी कहूँगा कि इस वक्त जो पानी है वो यहाँ तक भरा हुआ है। दो घंटे की देरी से, यानी कि बारिश बंद होने की दो घंटे की देरी के बाद हम ग्राउंड पे आए हैं, और उससे पहले के जो हालात थे वो ये थे कि पानी कमर तक भरा हुआ था। यहाँ पर जो लोग हैं उन्हीं से हम बात करेंगे और उनसे ही पूछेंगे। ये जो उत्साहित लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए 1975 में जो बारिश आई थी, क्या आज बारिश बिल्कुल वैसी है? वैसा ही लग रहा है हमारे को। ये आज पहली बारिश हुई है इतनी तेज अजमेर के अंदर, करीब 8:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक 2 घंटे झमाझम बारिश हुई है, और कुछ राहत मिली है हम लोगों को। हमारे को यही लग रहा है कि 1975 में जो बाढ़ आई थी, अभी बारिश में टाइम है और आने में पहली बारिश ही ऐसी है, तो आगामी टाइम में और कैसी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, शहर पूरा जाम हो चुका है, यातायात व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, निगम के अधिकारी, कलेक्टर, आप जिस तरीके की व्यवस्थाएं हम इस समय कैमरे पर दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरीके से है? स्मार्ट सिटी के ये हालात होने चाहिए थे? ऐसे हालात तो नहीं होने चाहिए सर, लेकिन क्या है कि प्रशासन भी इसमें क्या कर सकता है, कुदरत का है सारा, प्रशासन भी इसमें क्या कर सकता है। एलिवेटेड रोड भी बन रहा है तो ट्रैफिक व्यवस्था भी वैसे ठीक संभाल रही है, संभालने वाले कलेक्टर साहब भी अपना हिसाब किताब, प्रशासन वगैरह, प्रशासन के लिए हम कोई तो दोष नहीं देते हैं। हमारे साथ एक और युवा है, ये जो व्यवस्थाएं इस समय नजर आ रही है ये माकूल है? देखो, व्यवस्था तो माकूल नहीं है, प्रशासन को इसकी व्यवस्था ही करनी चाहिए। ये आप देख रहे हो, ये आना सागर की वेज चौपाटी है, यहाँ पे देखिए हजारों की तादाद में लोग बाग है, प्रशासन की कोई माकूल व्यवस्था नहीं है, प्रशासन के कोई यहाँ पे लोग मौजूद नहीं है। अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो वो अगर यहाँ पे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो प्रशासन को उस हादसे के निपटने के लिए कोई व्याकुल इंतजाम यहाँ मौजूद नहीं है, कोई भी व्यवस्था यहाँ पर मौजूद नहीं है। और पानी मैं आपको इस वक्त दिखाना चाहूँगा, मेरे सहयोगी कहूँगा वो दिखाए कि पानी के हालात क्या हैं। ये अजमेर में बाढ़ जैसे हालात इस वक्त नज़र आ रहे हैं। तमाम यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और सामने मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे सहयोगी तो आपको तस्वीर दिखाएंगे कि रॉन्ग साइड से रोडवेज की ये बस यहाँ पर आ रही है, रॉन्ग साइड पे ये बस आ रही है। एक कोई युवक है जो इस वक्त उस पर ही है, रोडवेज की ये बस रॉन्ग साइड से गुजरती हुई आपको तस्वीर है, जबकि पूरा सड़क जाम है। एक युवा साथी और हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत करेंगे।
ये जो व्यवस्थाएं इस समय आपको स्मार्ट सिटी में नजर आ रही है ये माकूल है? ये माकूल नहीं है, यहाँ पर प्रशासन को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि यहाँ पर कोई घटना नहीं हो। जैसे ये रोडवेज आई है रोंग साइड से आई है, अगर यहाँ पर प्रशासन की कोई वो होती तो ये रोडवेज रोंग साइड से वो नहीं आने देते। एक तरफा यातायात होना चाहिए, दोनों तरफा नहीं होना चाहिए। अगर प्रशासन का कोई आदमी होता तो ये नहीं होता। अब ये ऐसे ऊपर बैठे हुए हैं यहाँ पर, अगर कोई नीचे गिर जावे कोई हो जावे तो ये बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इसीलिए हमारा जो प्रशासन है, जो अभी प्रशासन की तरफ से जो लापरवाही है, ये लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये नहीं होनी चाहिए थी। प्रशासन को यहाँ पर कुछ ना कुछ करना चाहिए। एक बाबूजी हैं, क्योंकि बाबूजी ने 1975 का दौर देखा होगा इसलिए हम उनसे बातचीत करने के लिए हैं। बाबूजी, 1975 का दौर आपने देखा होगा, 1975 का दौर, क्या वैसी ही बारिश आज फिर आई है अजमेर में? और जिस तरीके के हालात हैं, क्या वैसे ही हालात हैं? उससे कम है थोड़ा अभी। अच्छा। अभी बरसात और होगी तो 1975 याद आ जाएगा। अच्छा। मेरा आंखों देखा हाल है। तो हालात बिल्कुल कुछ मिलते जुलते हैं, थोड़ी सी अभी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, बाकी अभी कम हुई है। 1975 जैसी तो नहीं है बरसात। एक बार और होनी चाहिए बारिश, एक बार और होगी तो 1975 का हाल हो जाएगा। और हो जाओ तो हो जाओ 75 की बरसात। ये जो व्यवस्था है पूरी शहर में, यातायात व्यवस्था चरमराई हुई है, स्मार्ट सिटी की घोषणाएं अमेरिका से हो जाती है और ऐसे में शहर के हालात हमें ये दिखाई देते हैं, ये कितना माकूल आप समझते हैं प्रशासन की मुस्तैदी? आपको लगता है कि प्रशासन वाकई मुस्तैद? प्रशासन की मुस्तैदी है और क्या है प्रशासन? अब देखो क्या कर रहे हैं, अब ये तो प्रशासन के ऊपर ही निर्भर करता है, वही है ना सब कुछ है। प्रशासन को भिगोनी चाहिए बारिश। बहुत समय बाद अजमेर को ऐसी बारिश देखने को मिली है और कई शिकायतें लोगों को भी है, उनसे लोगों का कहना है कि प्रशासन को जो मुस्तैदी करनी चाहिए थी, जिस तरीके से एनडीआरएफ की टीम की व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी। हालांकि अजमेर कलेक्टर ने कंट्रोल रूम स्थापित किया है, लेकिन वहाँ जो स्थापित किया है और शहर में जिस तरीके से समस्याएं आ रही हैं वो इतनी ज़्यादा हैं, जिसको कंट्रोल करना एक छोटी सी टीम में बहुत मुश्किल का काम है। आना सागर का जो फ्लो है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आना सागर जो है इस वक्त चौपाटी के बिल्कुल बराबर, जो नई वाली यहाँ चौपाटी स्मार्ट सिटी के तहत बनाई गई थी, उस चौपाटी के बिल्कुल समतल पानी इस वक्त आ चुका है। यानी कि अगर अजमेर में आज जो बारिश हुई है, अगर वैसी ही बारिश लगभग 1 से 2 घंटों की और हो जाती है तो ये जो पानी है आना सागर का, ये पूरी तरीके से बाहर आ जाएगा। मैं अब आपको वो तस्वीर दिखाऊँगा जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से प्रशासन के जो इंतज़ाम थे वो इन इंतज़ामों की हकीकत क्या है। बारिश मानसून को लेकर तमाम तरीके की बैठकें होती हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन उन दिशा निर्देशों की पालना कितनी ज़मीन पर हो पाई है, ग्राउंड पर हो पाई है, इसकी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि दूसरी जो सड़क आना सागर के बिल्कुल सामने की तरफ की जो सड़क है वहाँ लंबा जाम कितना है। ये जाम देख के आप उम्मीद जता सकते हैं कि ये मुंबई या दिल्ली जैसा जाम है यहाँ पर इस वक्त। अच्छा, कितनी देर से जाम में फंसे हुए? कम से कम 1.5 घंटा हो गया भाई जान। डेढ़ घंटा हो गया भाई। कोई नहीं आया जाम खुलवाने। कोई नहीं आया। 1.5 घंटे की व्यवस्था है। मेरे सहयोगी राजवीर को मैं कहूँगा कि वो कैमरा ऊपर कर पूरा जितना लंबा इस वक्त यहाँ पर ऊपर की तरफ करके जाम जो है वो दिखाए। आप देखिए 108 एम्बुलेंस एक आ रही है, वो कितनी देर इस जाम में फंसी रहती है। देखिए बाबूजी कितनी देर से जाम में? 2 घंटे जाम हो गए। 2 घंटे कोई खुलवाने नहीं आया? कोई नहीं आया खुलवाने। अच्छा, अजमेर में जो व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही है उससे लग रहा है प्रशासन ठीक काम कर रहा है? नहीं, कुछ भी ठीक काम नहीं कर रहा प्रशासन, एक भी प्रशासन नहीं है यहाँ कहीं भी। एम्बुलेंस 108 है इस पूरे जाम में, अब कितनी देर तक फंसी हुई रहेगी ये आप देखिए। किसी प्रकार की माकूल व्यवस्था नहीं है। कोई किसी को आपात स्थिति में अगर अस्पताल तक पहुँचना होगा तो किन हालातों में पहुँचेगा उसकी ये तस्वीर आपके सामने है। इस वक्त सीधे हम मौके पर मौजूद हैं और सीधे मौके पर मौजूद होने की वजह से ही जब एक गाड़ी इस वक्त 108 एम्बुलेंस जाम में पूरे फंसती हुई नज़र आएगी तो देखते हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु हैं जो आगे से जाम को खुलवा रहे हैं। हिमांशु मेरे सहयोगी, मैं आपको बताऊंगा, वो जाम को खुलवा रहे हैं 108 एम्बुलेंस को हटवाने के लिए। और कोशिश हम भी करते हैं कि जिस गाड़ी को यहाँ से गुजरना है उस गाड़ी की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाएं। हिमांशु मेरे सहयोगी इस वक्त हैं, जाम खुलवा रहे हैं जो, और हम भी अब कोशिश करते हैं कि 108 जो गाड़ी इस वक्त जाम में फंसी हुई है वो कैसे भी करके निकले, क्योंकि जब प्रशासन मुस्तैदी पर नहीं होता है तो हम आम नागरिकों की ही जिम्मेदारी बनती है कि हम आएँ और आकर इस तरीके से कोई अगर जाम में फंस जाता है, कोई 108 गाड़ी अगर इस तरीके से फंस जाती है तो वो किसी भी तरीके से निकले, क्योंकि प्रशासन की कोई मुस्तैदी हमें नज़र नहीं आ रही है। इसीलिए
इसीलिए ज़रूरी है कि ग्राउंड पर जब भी आपको 108 गाड़ी इस तरीके से फंसती हुई नज़र आए तो आप उस गाड़ी को सबसे पहले रास्ता दें। जाम आगे तक लगा हुआ है, मेरे सहयोगी हिमांशु आगे से जाम को खुलवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, कुछ युवाओं को हमने कहा है वो दिखाए और यहाँ से हम कोशिश कर रहे हैं कि उस गाड़ी को यहाँ से हम निकलवा पाएँ, क्योंकि बहुत देर से वो फंसी हुई है और ये युवा हमारी पहल काम यहाँ पर आ रही है, युवा इस तरीके से आ गए हैं और स्थानीय युवा हैं। मेरे सहयोगी हिमांशु सामने हैं, मैं राजवीर कहूँगा, मेरे सहयोगी हिमांशु की तस्वीर दिखाएं वो किस तरीके से जाम को पूरा उन्होंने आगे से खाली किया है। और अब ये देखिए आप गाड़ी, जब MTTV इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहुंचा है, लोगों को कहा है, तब जाकर एक गाड़ी को इस जाम से निकाल पा रहे हैं हम, यानी कि कितना बड़ा फेलियर हमारे सिस्टम का है उसकी ये शर्मनाक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस गाड़ी को निकाला हमारे सहयोगी हिमांशु और MTTV इंडिया जब ग्राउंड पर पहुंचा है तब किया है, और स्थानीय लोगों ने जब मदद की MTTV इंडिया ग्राउंड पर पहुंचा तब इस गाड़ी को रास्ता दिया गया, इस गाड़ी को हटाया गया। और अब ये ग्राउंड पर पत्रकारिता का जो सिद्धांत है उसके साथ साथ किस तरीके से आम नागरिक की सहायता की जाए ये एक तस्वीर है। और अब MTTV इंडिया की पहल के बाद 108 को हमने यहाँ से रास्ता दिया, ये युवा हैं, इन सब युवाओं ने यहाँ पर मदद की है। अच्छा, इस तरीके से 108 गाड़ियाँ जाम में फंस जाती हैं, आप लोगों को आगे आना पड़ता है हटाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे आप? सर इसमें यही है, इसमें पुलिस प्रशासन भी देखो ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सकता है उससे उतनी वो मेहनत कर रहा है, इससे ज़्यादा वो भी कुछ नहीं कर सकते, बारिश का कुछ जुगाड़ इतना हो नहीं पाता है, एकदम से सडनली इतना कुछ कर नहीं सकते। चलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई कि MTTV इंडिया जब मौके पर पहुंचा तो आप लोगों ने, ये स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस तरीके से 108 गाड़ी का रास्ता खुलवाया, और मेरे सहयोगी हिमांशु माथुर मौके पर आए और हमारे साथ इस पूरे जाम को खुलवाया, 108 गाड़ी जो इस वक्त जाम में फंसी हुई थी उसको यहाँ से बाहर निकाला। खैर इस तस्वीर के बाद मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाता हूँ कि अजमेर में जो व्यवस्थाएं हैं जो मानसून को लेकर बैठ के अधिकारी करते रह गए, लेकिन अब हालांकि व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्या वाकई उन अधिकारियों ने कोई काम ग्राउंड पर किया है या नहीं किया है, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दूसरी तस्वीर। और अब देखिए ये दूसरी तस्वीर, इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए, अजमेर संभाग के सबसे बड़े जेलन अस्पताल की ये तस्वीर है जहाँ पर देखिए आप किस तरीके से पानी भरा हुआ है। हमने बुधवार को भी एक तस्वीर जेलन अस्पताल से दिखाई थी और आज फिर जब दो घंटे अजमेर शहर में सुबह बारिश हुई है तो लबालब जलमग्न हो गया है जेलन अस्पताल। और यहाँ की व्यवस्थाएँ जो स्मार्ट सिटी के तहत सबसे पहले चिकित्सा व्यवस्थाओं के ऊपर काम होना चाहिए था, वहाँ पर काम नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी के अरबों रुपए किस तरीके से बर्बाद हो रहे हैं, ये उस बर्बादी की सबसे बड़ी तस्वीर है। अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जेलन अस्पताल जहाँ सीटी स्कैन का ये वार्ड है, आपके सामने तस्वीर है, इन तस्वीरों को गौर से देखिए, पानी यहाँ पर भरा हुआ है और ये पानी घुटने तक भरा हुआ है। अजमेर के जेलन अस्पताल का ये हाल है और ये हाल सरकार के पास तक पहुँचना चाहिए क्योंकि विधानसभा का सत्र इस वक्त चल रहा है और जबकि चिकित्सा मंत्री उनके गृह अजमेर से आते हों तो ये तस्वीर उनके पास तक पहुँचनी चाहिए। जी देखिए कि आज अजमेर में भगवान की कृपा से बारिश तो अच्छी आई है, लेकिन हालात ऐसे हो गए हैं कि इस जेलन हॉस्पिटल में हर जगह पानी भरा हुआ है। एक्सरे मशीन की तरफ देखा जाए तो घुटनों तक पानी है, मतलब गंभीर रूप से मरीज पूरे संभाग स्तर से यहाँ पर भेजे जाते हैं। अगर पानी भरा हुआ होगा तो वो कैसे इलाज कराएंगे, और प्रशासन ने इसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया अस्पताल प्रशासन को, और चिकित्सा मंत्री जो कि हमारे गृह जिले से आते हैं उन्होंने भी कभी अस्पताल की तरफ ध्यान नहीं दिया। हमारी मांग है कि इस तरफ ध्यान दिया जाए कि आप ये देखिए कि घुटनों तक अगर पानी भरा होगा तो गंभीर रूप से घायल मरीज कैसे आएंगे, अगर अस्पताल खुद ही बीमार होगा तो कैसे आप हालातों को काबू कर पाएंगे। ये तीसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं स्मार्ट सिटी अजमेर की। अजमेर का रेलवे स्टेशन है जो विश्व प्रसिद्ध है, जहां पर हजारों जायरीन रोजाना आते हैं, यहां पर यात्रियों को टिकट लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पानी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरीके से रेलवे स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन परिसर के बाहर ये पानी भरा हुआ है। यहां के क्लॉक रूम जहां पर सामान रखा जाता है वहां पर भी पानी भरा हुआ है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देख लीजिए आपके सामने तस्वीरें, टिकट विंडो
जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, लबालब पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। जो दो घंटे की वर्षा अजमेर में हुई है ये उसकी तस्वीर है। और जब स्टेशन जो अधीक्षक है, स्टेशन प्रबंधक हैं विनोद गोयल, जब हमने उनसे इस पूरे मामले पर बात करना चाही तो उन्होंने कह दिया कि पानी निकाल दिया गया है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं। अगर इसको पानी निकाल देना कहते हैं तो धन्य हो ऐसा रेल प्रशासन का, ऐसे स्टेशन अधीक्षक का जो इन तस्वीरों को झुठला रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपके सामने दिखा रहे हैं, विनोद गोयल स्टेशन प्रबंधक हैं। इसकी जानकारी रेल मंत्रालय को भी हमारे माध्यम से, एमटीवी इंडिया के माध्यम से दी गई है कि किस तरीके से अजमेर रेलवे स्टेशन के ऊपर व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं, हालात बिगड़े हुए हैं। और अजमेर के DRM को यहां पर आकर जायजा लेना चाहिए कि आखिर रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही हैं, पानी के बाद हालात क्या बने हुए हैं।